सुबह पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। खंडाला घाट के खोपोली एग्जिट पर हुए इस हादसे में 106 गाड़ियां आपस में टकराई है। एक ट्रक और कंटेनर के बीच कार सैंडविच बन गई और सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। हाईवे पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दुर्घटना सुबह 6:40 पर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पुणे से मुंबई की ओर जाने वाली लेन में हुई है। इस हादसे में 2 ट्रक, 1 कंटेनर, 2 कार और 1 टेम्पो आपस में टकरा गए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और सभी गाड़ियों को किनारे कर 1 घंटे तक बंद रहे रूट को चालू करवाया। इस दुर्घटना में गौरव खरात उम्र 36, सौरभ तुलसी उम्र 32, सिद्धार्थ राजगुरु उम्र 31 और एक अन्य की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रहा कंटेनर अचानक टायर पंचर होने के बाद सड़क के बीच में रुक गया। इसके बाद पीछे से आ रही स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर इससे टकरा गई। इसी कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। इस कार को पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी और इसके बाद एक एक करके कार, टेम्पो और ट्रक की टक्कर हुई है। हालांकि सबसे ज्यादा छोटी गाड़ियां ही क्षतिग्रस्त हुई है, घायल भी इन्हीं गाड़ियों में सवार थे। सभी घायलों को खोपोली नगर अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। महाराष्ट्र सुरक्षा बल, एंजल रेस्क्यू टीम और खोपोली खंडाला हाईवे पुलिस मौके पर रेस्क्यू और बचाव कार्य में जुटी हुई है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।